हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एरिया एंड इट्स बाउंड्री। क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के अंदर एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम ये तीनों चीज पढ़ाई जाती हैं। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एरिया एंड पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको दो विंडो दिखाई दे रही है, एक विंडो लेफ्ट में है, एक विंडो राइट में है। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ सोचने का कि इन दोनों विंडोज में क्या डिफरेंस है। आपको ये सोचना है, जो जो भी आप डिफरेंस अपने माइंड में सोचेंगे, थोड़ा सा अब हम उसको एरिया और पैरामीटर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो ये विंडो आप सोचेंगे ये स्मॉल है, ये बिग है, तो ये वाली चीज अभी हमें नहीं पढ़नी है। हमें देखना है कि जो हमारे पास ये लेफ्ट में विंडो है, इसकी फोर साइड्स, तो फर्स्ट साइड मान लीजिए सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी फर्स्ट साइड है, साइड है, और ये एक साइड है यहाँ से यहाँ तक, एक साइड यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरह से हमारी फोर साइड्स हैं। तो अगर ये फोर साइड्स की लेंथ इक्वल है, सपोज एक लेंथ हमने यहाँ पे 56 सेंटीमीटर की ये विंडो है, तो इसके सामने वाली लेंथ भी हमारी 56 सेंटीमीटर है, साइड वाली साइड भी हमारी 56 सेंटीमीटर है, और जो ये फोर्थ साइड है ये भी हमारी 56 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है अगर चारों साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की होंगी तो आपकी शेप क्या होगी? स्क्वायर शेप होगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक भी लेंथ आपकी सपोज 55 भी होती है या 57 भी होती है तो आपका ये स्क्वायर कैटेगरी में नहीं आएगा। स्क्वायर के लिए आपकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब हम इस वाली विंडो की बात करते हैं, थोड़ी सी हमें बड़ी दिख रही है, बट हमें यहाँ पे शेप को एडमायर करना है कि हमारी शेप कौन सी है। तो ये वाली जो लेंथ हमें दी हुई है 102 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 102 सेंटीमीटर है। इसके पैरेलल जो लेंथ है वो भी 102 सेंटीमीटर है, और साइड्स की जो टू लेंथ्स हैं इसको हम ब्रेथ या विड्थ भी बोलते हैं, वो हमारी 60 सेंटीमीटर है। तो एक चीज मैं और बता दूं, ये दोनों साइड जो है हमारी इसको हम लेंथ बोलते हैं, और ये जो 60 आप देख रहे हैं, जो वर्टिकल आपको दो साइड्स दिखाई देंगी उसको हम विड्थ या फिर ब्रेथ बोलेंगे। सेम स्क्वायर में होता है, जो ये आपको हॉरिजॉन्टल टू लाइंस दिख रही हैं इसको हम लेंथ बोलेंगे, और इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ब्रेथ बोलेंगे। तो अब ये वाली जो शेप है हमारी कौन सी हो गई? रेक्टेंगल हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दोनों लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए, दोनों ब्रेथ हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल के केस में आएगा। अब हम एरिया की बात करें तो ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये रेक्टेंगल शेप दी हुई है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर आप साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में आप साइड मल्टीप्लाई साइड करिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब बात करेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। फॉर्मूला है हमारा टू इनसाइड ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे, उनको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद उसकी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा फोर मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो एक साइड हमें क्वेश्चन में दी होगी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरामीटर का मतलब होता है बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ द शेप। तो अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे तो टोटल लेंथ करनी है हमें साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इस तरह से चारों साइड्स को अगर आप प्लस करेंगे तो भी हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। बट अब आप जैसे कि ग्रेड फिफ्थ में आ गए हैं तो आपको फॉर्मूलाज यूज करना आना चाहिए। इसी तरह से पैरामीटर को आप चाहें तो आप वैल्यूज दे रखी होंगी, ये दोनों साइड प्लस करिए, फिर इन दोनों साइड्स को प्लस करिए, चारों साइड्स हमें सिंपल प्लस करनी है। पैरामीटर का मतलब मैंने क्या बताया है? टोटल लेंथ ऑफ द शेप, आउटर जो लेंथ है
उस शेप की, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। ए की बात करते हैं पहले, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्ट। सबसे पहले आपको शेप को ध्यान रखना है कि हमें कौन सी शेप दी हुई है और उसका एरिया निकालना है या फिर पैरामीटर निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। तो सिंपल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो 12 नाइन्स आर हमें मल्टीप्लाई करना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात मैं और बता देती हूँ, यहाँ पर जो भी यूनिट होगी आपको उसका ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो 12 नाइन्स आर 108 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी हमारा एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब शेप है हमारी स्क्वायर, ईच साइड यानी सारी साइड्स इक्वल है और उसका हमें साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट मींस 14 मल्टीप्लाई 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 31 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। अगेन सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है, 31 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटर एरिया, स्क्वायर ऑफ 15 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 225 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा, और रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 15 आएगा। तो इस केस में हमारा ग्रेटर एरिया होगा स्क्वायर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 16 मीटर। तो 16 मल्टीप्लाई 16 256। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, 32 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी। इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है और साइड हमें निकालनी है, तो 64 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 16 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है जब भी हम साइड की बात करेंगे तो यूनिट सिंगल यूनिट होगी सेंटीमीटर। इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 व्हाट विल बी द एरिया। इसका आंसर है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है आपको 2l plus b। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड एरिया इज दिस। तो रेक्टेंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है l मल्टीप्लाई बाय b, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 84 को 23 से, और इसमें ऑप्शंस क्या है गलत दिए हुए हैं, तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको टेबल को कंप्लीट करना है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, पैरामीटर, एरिया, ये चार चीजें हैं, कुछ चीजें मिसिंग है वो हमें बतानी है। तो लेंथ है, ब्रेथ है, पैरामीटर हम निकाल लेंगे पैरामीटर का फॉर्मूले से, 38 मीटर आएगा। इसी तरह से सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रेथ निकालना है तो इसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, 53 से 106 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पर, इस केस में हमें ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया है तो डिवाइड कर देंगे इसको, 64 मीटर लेंथ आ गई, 134 मीटर पैरामीटर आ गया। इसी तरह से टेबल आप कंप्लीट करिए फॉर्मूला पुट करके। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो पैरामीटर बताना है रेक्टेंगल का, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, पैरामीटर का फॉर्मूला 2l plus b। तो 2l कितना है 12, b कितना है 4,
प्लस फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जार 32, तो 32 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, पेरीमीटर आ गया। इसी तरह से आपको बाकी के चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। अपनी नोटबुक हमेशा लेके बैठिए, पेन से इनको सॉल्व करिए। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, और यूनिट हमें क्या लिखनी है, सेंटीमीटर। इसी तरह से बाकी के चार पार्ट जो बच रहे हैं आपको फॉर्मूले पुट करके उनके आंसर बताने हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको बताया था, सिंपल जो भी आउटर बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, तो 2 + 7 + 5 + 6, इन चारों वैल्यूज को आपको प्लस करना है, आंसर आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जितनी भी साइड्स दी हुई हैं सबको प्लस करना है, यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी, तो सबको प्लस करने पे आया है 53 सेंटीमीटर। अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 672 स्क्वायर मीटर, चाहे तो इस तरह से लिख दीजिए चाहे मीटर स्क्वायर इस तरह से लिख दीजिए, एक ही बात है। इफ इट लेंथ इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया दिया हुआ है 672, लेंथ दी हुई है 32, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी डिवाइड में चली जाती है। तो ब्रेथ इक्वल टू 672 डिवाइड बाय 32। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर, सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 21 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।